वेलकम टू कर्मेनको एजुकेशन, स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कर्मेनको एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जुलाई 2020 से लिए गए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन थे सुमित देव, अनुज प्रताप, राहुल कुमार या प्रमोद त्यागी। जो करेक्ट आंसर था इसका वो था ए, सुमित देव। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से, सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और सुमित जो वर्तमान में वर्किंग है वो NMDC के निदेशक कार्मिक जो है पद पर कार्यरत हैं। और NMDC के जो CMD के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा वो 28 फरवरी 2023 तक जो इनका कार्यकाल रहेगा। वो NMDC के जो CMD के रूप में N विजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। इतने जो इस स्थान पर अभी नियुक्त हैं वो N विजेंद्र कुमार हैं, जो कि रिटायर होंगे 31 जुलाई 2020 को। और उनके जो स्थान पर नियुक्त किया गया है अभी जो सुमित देव जी को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में किस राज्य में चालू किया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या तमिलनाडु। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, केरल। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के कुन्नूर जिले में पय्यानूर के पास जो स्थित भारतीय नौसेना एकेडमी है एझिमाला में लगाया गया है। और 23 जुलाई 2020 को वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला जो हैं उनके द्वारा 3 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र को जो है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चालू किया जाएगा। इसी के साथ एक बार मैप में नज़र डालेंगे। मैप में जैसे कि देख पाएंगे, केरल आप देख सकते हैं जो कि भारत में यहाँ पे स्थित है। और ये जो स्टेट बना था वो 1 नवंबर 1956 में बना था। जो कैपिटल है यहाँ की वो त्रिवेंद्रपुरम यहाँ की कैपिटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल यहाँ पे स्थित है इसकी। और जो चीफ मिनिस्टर है वो यहाँ के पिनारई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर, और जो गवर्नर है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान है। और जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है इसमें, इस स्टेट में वो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स को भी देख सकते हैं। और जो केरल है अपना बॉर्डर जो शेयर कर रहा है यहाँ पे देख पाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय बंदरगाह का नाम बताइए जिसने हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल के लिए प्रतिबद्धता पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट्स ट्रस्ट, अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट या कामराजार पोर्ट लिमिटेड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल के लिए जो है प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड भारत का पहला पोर्ट और दुनिया का 7वां पोर्ट बन गया है। और कुल मिलाकर जो है 43 भारतीय कंपनियों ने कुल 909 कंपनियों से अब तक की जो है SBTI के लिए जो है एक प्रतिबद्धता पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय ने एक वृक्षारोपण अभियान वृक्षाण अभियान शुरू किया है जिसके तहत जो है 10 राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर रोपे लगाए थे। और कोयला मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है। ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल, महेंद्र नाथ पांडे, अर्जुन राम मेघावल या प्रहलाद जोशी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रहलाद जोशी जो है कोयला मंत्रालय में जो है केंद्रीय मंत्री हैं। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 23 जुलाई 2020 को कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान, जो अभियान का नाम है वो है वृक्षमण अभियान,
की जो शुरुआत की गई है, शुरुआत की है और जिसमें लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जो है जयंती भी शामिल है और जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित किया था। और केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जो हैं इस अवसर पर उपस्थित भी थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 लॉ लैब पहल को हाल ही में WHO द्वारा उन कानूनों को डेटाबेस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है जिन्हें सदस्य देशों ने महामारी के जवाब में लागू किया है। WHO ने इन्हें इनमें से किस संगठन के साथ मिलकर पहल की है? ऑप्शन है UNDP, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य कानून के लिए ओनिल संस्थान, या UNAIDS, या उपरोक्त सभी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी के साथ जो है मिलकर पहल की है। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है 22 जुलाई 2020 को कोविड-19 लो लैब लॉन्च किया है जो उन कानूनों का जो है एक डेटाबेस है और जिन्होंने देशों ने महामारी के जवाब में लागू किया है। और इस कानून प्रयोगशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुनिश्चित करना कि कानून व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य और भलाई की रक्षा करते हैं और यह कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिकारों को मानकों का जो है पालन भी करते हैं। और नई लैब जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो विश्व स्वास्थ्य संगठन पर जो है जो स्वास्थ्य संगठन है WHO, HIV या एड्स जो कि पर संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम पर जो है ओनिल इंस्टीट्यूट की जो संयुक्त परियोजना है जो कि जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य कानून के लिए भी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO ने हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। दीहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लेह, शिमला, मुन्नार या गंगटोक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, लेह। जो दीहर है वो लेह में स्थित है। एक बार डिटेल्स देखेंगे। डिटेल्स है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जो है लेह लद्दाख में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है जो कि परीक्षण सुविधा का जो उद्घाटन है वो 22 जुलाई 2022 में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर द्वारा किया गया है। और इस क्षेत्र में जो है कोरोना मामलों की जो पहचान करने के लिए परीक्षण की दर में भी वृद्धि होगी। और DRDO की जो जीवन विज्ञान प्रयोगशालाओं में से एक है। और लह जो रक्षा संस्थान उच्च ऊँचाई अनुसंधान संस्थान जो संस्थान है दीहर में यह सुविधा जो है स्थापित की गई है। इसी के साथ कुछ DRDO के बारे में भी जानेंगे। DRDO जैसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो ये फाउंड किया गया था DRDO वो 1958 में किया गया था। जो हेडक्वार्टर इसकी लोकेशन है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो इसका मोटो है वो संस्कृत में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्पेन्स जो है स्ट्रेंथ ऑर्गिन इज इन साइंस। जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमला शंकर जिनका हाल ही में निधन हो गया भारत के किस राज्य के एक प्रसिद्ध नृत्यक और कोरियोग्राफर थे? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, पश्चिम बंगाल। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, कोलकाता स्थित प्रख्यात दानिश और कोरियोग्राफर अमला शंकर का जो है निधन हो गया है। और वो जो थे 101 ईयर्स के थे, मतलब वो 101 साल के थे। और अमला प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्यक उदय शंकर की पत्नी थी और कला में उनके योगदान के लिए उन्हें जो है 2011 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है बंगा विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीस्टार्ट इंडिया भारत में व्यवसायों को फिर से शुरू करने में MSME क्षेत्र की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मंच है और प्लेटफॉर्म जो है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है टाटा कैपिटल, बजाज फिनसर या चोला मंडलम वित्त या मुथूट फिनकॉर्प। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मुथूट फिनकॉर्प। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं।
डिटेल से केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जो है 23 जुलाई 2020 को एक परामर्श मंच जो है इन www.restartindia.in शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है देश भर में व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद करना है। और इस वेबसाइट को जो है मुथूट फिनकॉर्प और इंकटॉक्स द्वारा जो संयुक्त रूप से सलाहकार समर्थन के लिए एक खुले मंच के रूप में विकसित किया गया है और आत्मनिर्भर जो है परियोजना के साथ भी इसका तालमेल है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई, 26 जुलाई, 24 जुलाई या 23 जुलाई। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, 26 जुलाई को जो है भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। एक बार डिटेल सीखेंगे। डिटेल्स हैं, कारगिल विजय दिवस हर साल जो है 26 जुलाई को वर्ष 1999 से मनाया जाता है, ताकि जो कारगिल संघर्ष में पाकिस्तान पर भारत की जीत चिन्हित किया जा सके। और यह दिन जो है हमारे कारगिल युद्ध के नायकों को समर्पित है और इसका नाम जो है सफल ऑपरेशन विजय के नाम से भी रखा गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और उपाय बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है कि भारत में और अधिक छात्र अध्ययन करते हैं और कोविड-19 स्थिति के कारण विदेश से लौटने वाले छात्रों के लिए एक चिकनी संक्रमण है, इस समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शन है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, AICTE के अध्यक्ष या UGC के अध्यक्ष या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, UGC के अध्यक्ष। एक बार डिटेल्स देखेंगे। डिटेल से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिशा निर्देश बनाने और सुनिश्चित करने के उपायों की जो सिफारिश करने के लिए भारत में रहे और भारत के अध्ययन करें समिति का गठन किया है। भारत में रहें और भारत में चुका जो है भारत में अध्ययन करें, इस समिति का जो नाम है और इसका जो गठन किया गया है, ताकि इस यह जो है सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में अधिक छात्र अध्ययन करते हैं और कोविड-19 के कारण जो है विदेश से लौटने वाले छात्रों के लिए एक चिकनी संक्रमण भी स्थित है। और इस समिति का जो अध्यक्षता है विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग, इट मीन्स UGC के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रोफेसर DP हैं, DP सिंह हैं, वही इसका समिति का जो अध्यक्षता करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई भारत की पहली 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक दबाव युक्त जो है भारी जल रिएक्टर है और यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए थे 27 जुलाई 2020 है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।